दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल टॉक। गाइस, आज की वीडियो में एक बार फिर मैं आपके सामने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट लेकर आई हूं, जो कि है मॉक्स क्लेव ड्रॉप। जी हाँ दोस्तों, जो मॉक्स क्लेव ड्रॉप है ये एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोनेट का ये ओरल सस्पेंशन है, जो कि बच्चों के लिए स्पेशली ये एंटीबायोटिक डिसाइडेड है। ये जो मॉक्स क्लेव आपकी पीडियाट्रिक ड्रॉप है, ये एक एंटीबायोटिक बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है जो बच्चों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो गले का हो, नाक का हो, सीने में कफ जम गया हो, दांतों में दर्द इन्फेक्शन हो, लंग्स में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, स्क्रीन या रिट्रैक में हो गया हो। ये सभी जगह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बच्चों में ठीक करता है। ये बैक्टीरिया को किल करके उसके रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, जिससे कि बैक्टीरिया वहीं ख़त्म हो जाते हैं और बीमारी आगे नहीं बढ़ती है। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो एमोक्सिसिलिन है, जिसकी मात्रा 80 mg है, और क्लेवनेरिक एसिड है जिसकी मात्रा 11.4 mg इसमें मिला हुआ है। इस पैक में 10 ml स्टराइल वाटर मिला हुआ है रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और बाकी आपका दवाई मिली हुई है। ये जो एंटीबायोटिक है, इसको जब आप बनाएंगे, तैयार कर लेंगे, तो उसका इस्तेमाल 7 दिन के अंदर करना है, उसके बाद आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको इस दवा का बेहतर और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अपने बच्चों को डेली एक फिक्स टाइम पे दें। यहाँ पे बनाने का तरीका भी दे रखा है कि स्टराइल वाटर रहता है, ड्राई पाउडर रहता है, और उन दोनों को मिला के अच्छे से शेक करना है 7 दिन के अंदर, अपने बच्चे को इसको पिला देना है। 7 दिन के बाद अगर बच जाती है दवा तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है। ध्यान रहे दोस्तों कि अगर आपके बच्चे की तबीयत 1-2 दिन में ठीक लगे तो भी डॉक्टर जितना कोर्स बोला है, जितने दिन के एंटीबायोटिक लेने को बोला है, आप उतना दें, जिससे कि इन्फेक्शन बचा ना रह जाए, बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह जाए। इसको आपको अपने बच्चों को खाली पेट या कुछ थोड़ा बहुत खिलाने के बाद भी दे सकते हैं। जब ये ड्रॉप अपने बच्चों को दे तो हो सकता है उनमें कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिले, जैसे कि उल्टी होना, मतली लगना, पेट ख़राब होना, पेट में दर्द होना, एलर्जी लगना। ये सारे साइड इफेक्ट टेम्परेरी होते हैं, धीरे धीरे चले जाते हैं जब आपके बच्चे की बॉडी दवा को अडॉप्ट कर लेती है। लेकिन अगर कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा परेशान करें तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, दवा का इस्तेमाल रोक के तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। अपने बच्चे को मेडिकल हिस्ट्री जितनी भी आपके बच्चे की रही हो, उसको कोई बीमारी तो नहीं है या उसकी कोई दवा तो नहीं चली, ये सारी बातें जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं, चाहे फिजिशियन चाहे किसी बड़े डॉक्टर के पास जाएं, हमेशा हर डॉक्टर को अपने बच्चे को कोई भी मेडिकल हिस्ट्री रही हो कि कोई लंग की, किडनी की, स्किन की, लीवर की प्रॉब्लम रही हो, तो ये सारी बातें अपने डॉक्टर को बताना बिल्कुल भी ना भूलें। ये ड्रॉप का इस्तेमाल कई बार ट्यूबरकुलोसिस के रेजिस्टेंस के लिए भी किया जाता है, यानी ट्यूबरकुलोसिस टीबी को ठीक करने के लिए भी किया जाता है, और साथ ही साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी किया जाता है जो बच्चों में होता है। ये दवाई आपके बच्चों की बॉडी में जाती है, जिसमें एमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया को बनने से रोकता है, और क्लेवनेरिक एसिड जो है वो एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट करता है, और दोनों ही दवाइयाँ मिल के अपना असर दिखाती है, और जो इन्फेक्शन है वो वहीं रुक जाता है और बीमारी आगे नहीं बढ़ पाती है। ध्यान रहे दोस्तों, बच्चों की दवाई जब भी लें अपने डॉक्टर से उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें, और जहाँ से भी इसको ख़रीदें तो पैक पे क्या क्या लिखा है वो सारी चीज़ें ज़रूर देख लें। ज़रूरी पॉइंट देखना ना भूलें कि दवा को कैसे बनाना है, कैसे रखना है, और जब भी कोई लिक्विड दवाई बच्चों को दें तो उस दवा को अच्छे से शेक करके तब बच्चे को, जिससे कि उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट मिला है वो आपस में घुल जाए और पूरी दवा आपके बच्चे को मिल सके। ये जो दवा है अपने बच्चों को डेली फिक्स टाइम पे दें, जिससे कि इसका बेहतर और अच्छा रिजल्ट दिख सके। अगर कोई समस्या हो तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से वहाँ पर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो इस मॉक्स क्लेव ड्रॉप पर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। इसलिए कुछ सवाल करना चाहते हो, कुछ कहना बताना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप में से जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, मैं जल्दी फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, लॉजिकल टॉक देखते रहें। गुड बाय, टेक केयर।